Hello everyone, I'm back with another video. So तो आज का टॉपिक आप जैसे कि आपने पढ़ी लिया होगा कि आज मैं बात करूँगा डेल स्टेन की रिटायरमेंट पे और उस पर मेरा क्या टेक है और जो हमारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं और वो उनका क्या राय है, तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और अभी ये जो रिटायरमेंट का ऐलान हुआ है ये कुछ दिन पहले हुआ है और ये बात कंफर्म हो गई है कि अब डेल स्टेन जो है टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और ही वुड बी नो मोर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट. जिसकी वजह उनकी फिटनेस थी, क्योंकि फिटनेस के मसाइल थे, उनके शोल्डर की जो बोन थी वो उस पर फ्रैक्चर आ गया था और काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से फिर उसके बाद भी उनका कमबैक हुआ, मगर कमबैक फिर वैसा ना हो पाया जिस तरह से हम देखते हैं डेल स्टेन को. और उसके बाद फिर वो मुसलसल उनकी प्रॉब्लम रही और प्रॉब्लम की जो उनकी थी पहले से वो बढ़ती बढ़ती इतनी हो गई कि फिर वो उनको छोड़नी पड़ी टेस्ट क्रिकेट. और उसकी अहम वजह ये भी बताई जाती है, काफ़ी सोर्सेस से ये पता चली है वजह, कि जिस तरह से वो IPL खेल रहे थे और जिस तरह से लोड ऑफ क्रिकेट थी मुख्तलिफ लीग्स में खेलना, तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला उनकी जो शोल्डर की जो बोन थी उस पर, जिसकी वजह से अब वो फाइनली उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है टेस्ट क्रिकेट से. बट ये बात अच्छी है कि वो T20s और ODIs के लिए अवेलेबल होंगे साउथ अफ्रीकन टीम को और मुख्तलिफ लीग्स में तो हमको देखेंगे खेलते हुए, मगर एक बहुत बड़ा नाम टेस्ट क्रिकेट से अलग हो गया है. और मैं आपको सही बताऊं तो ही वाज माय फेवरेट. और उसकी फेवरेट होने की वजह ये है कि एक तो उनका एक्शन और जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीकन टीम की बॉलिंग को कैरी ऑन करा आफ्टर शॉन पॉलक और मखाई एंटीनी, तो वो बहुत रिमार्केबल था. और टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर पे जिस तरह की डेल स्टेन की परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है और काबिल ज़िक्र है, क्योंकि उसको ज़िक्र किए बग़ैर मैं नहीं समझता कि कोई भी बात पूरी हो सकती है बॉलिंग की, क्योंकि जिस तरह से डेल स्टेन बॉलिंग करते थे तो वो बड़े से बड़े प्लेयर्स उनके सामने टिक नहीं पाते थे. उन्होंने हर बड़े खिलाड़ी को आउट करा है, तो ये उनकी स्पेशलिटी थी कि वो आउट स्विंग करते थे राइट हैंड बैट्समैन को और इन स्विंग करते थे लेफ्ट हैंड बैट्समैन को. तो विद पेस, जिस तरह की उनकी पेस थी ऑलमोस्ट 145 और 145 प्लस, तो उस पेस पे अगर बॉल स्विंग हो रहा हो तो बिल्कुल आसान नहीं होता खेलना. और जिस तरह से डेल स्टेन को महारत थी एक गुड लेंथ पे बॉल करके स्विंग अवे करने की राइट हैंड बैट्समैन से, वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती थी और बहुत विकेट लीं, 442 विकेट्स लिए आई थिंक या 422 विकेट्स लिए हैं डेल स्टेन ने, तो वो अमंग्स द ग्रेट कैटेगरी में हैं. और हमेशा से उनके अंदर जिस तरह पैशन था, जिस तरह से एग्रेशन था डेल स्टेन का, उसे लगता था हमेशा से जब वो बिल्कुल नए नए आए थे साउथ अफ्रीकन टीम में, तो मैंने भी एक शुएब अख्तर की एक वीडियो देखी थी जिसमें शुएब अख्तर अपना एक किस्सा बता रहे थे, जिसमें वो बोल रहे थे कि साउथ अफ्रीकन टीम आई थी आई थिंक बैक इन 2005 एंड 6 कराची में, तो एक लड़का था तो जिसको वो नेट्स पे देख रहे थे और वो कहते हैं कि जिस तरह से बॉल तेज़ी से आ रहा था और जिस तरह से नेट को आगे लग रहा था क्योंकि प्लेन मिस हो रहा था बॉल, तो शुएब अख्तर ने नेट्स के बाद उनको बुलाया तो उसने उनका नाम पूछा, तो डेल स्टेन ने कहा आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तुम साउथ अफ्रीकन टीम से क्यों नहीं खेल रहे. तो डेल स्टेन ने कहा कि शायद मैं भी उस कैटेगरी में एंटर नहीं हूँ कि मैं खेल सकूँ, या उन लोगों को पता नहीं है जो खिलाने वाले हैं. तो उन्होंने कहा, शुएब अख्तर ने उनको रिप्लाई करा कि उनको नहीं पता, वो तो बेअकल हैं, तुम्हें तो अकल है. ये वजह बताने की ये थी कि क्योंकि शुएब अख्तर ख़ुद एक लेजेंड है और एक लेजेंड ही एक लेजेंड को पहचान सकता है,
तो वो उसी वक्त ही उन्होंने आइडिया कर लिया था कि जिस तरह से रेल स्टेन बॉलिंग कर रहे थे नेट्स पे, तो उनको पूरा यकीन था कि अगर वो रेल स्टेन उस वक्त बॉलिंग कर रहे होते पाकिस्तान टीम को, तो वो शिव कहते हैं शायद पाकिस्तान टीम 100 रन भी ना बना पाती। मतलब जिस तरह से एक एग्रेशन होता है एक फास्ट बॉलर का, वो और जिस तरह का एटीट्यूड होता है, वो सारा सब कुछ रेल स्टेन के पास था। स्विंग भी थी, पेस भी थी, और बाउंसर भी था, यॉर्कर भी थी, सारी चीज़ें उनके पास थी। तो ये सारी चीज़ें देख के जो कमेंट करा शोएब अख्तर ने, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और बहुत ज़्यादा शोएब अख्तर ने भी अपनी वीडियो में एडमायर करा, इवन राशिद लतीफ़ ने और दूसरे क्रिकेटर्स ने बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करा। एक बहुत बड़ा जो लास्ट टेस्ट मैच खेला था उसमें उन्होंने शॉन पॉलक को जो लीडिंग विकेट टेकर थे उनको क्रॉस करा था। तो 421 आई थिंक शॉन पॉलक की थी, और उसके बाद डेल स्टेन की 422 जब कंप्लीट हुई थी, तो लोगों ने उनको उनके प्लेयर्स ने उनको शोल्डर्स पर उठाया था और उनको अप्रिशिएट किया था और उनकी सर्विसेज को एडमायर किया था। तो ये एक एग्जाम्पल होती है एक बड़े खिलाड़ी की ना। डेल स्टेन जैसा एक बॉलर जो है वो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट से आउट हो गया है, क्योंकि जिस जितनी सर्विस उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए की हैं आई थिंक सो बहुत बड़ी बात है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही विल बी रिमेम्बर्ड विद अ वेरी एग्रेसिव बॉलर इन क्रिकेट हिस्ट्री। तो बहुत मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ कि अब डेल स्टेन की वो बॉलिंग देखने को नहीं मिलेगी। मैं तो स्पेशली साउथ अफ्रीका मैच देखता ही इसलिए था पहले, जब रबाडा नहीं आए थे और अपना एनगीडी नहीं आए थे, उससे पहले मैं जो देखता था वो मॉर्ने मोरगिल और डेल स्टेन की वजह से देखता था, क्योंकि इनकी बॉलिंग में जिस तरह से एग्रेशन था और जिस तरह से पेस ये लोग जनरेट करते थे, तो वी हैव टू गिव क्रेडिट। और बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।